पंडोरी हल्के के गांव पाई के सरकारी प्राइमरी संस्कृति मॉडल स्कूल में मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बच्चों और अध्यापक परेशान हो रहे हैं। स्कूल में जो शौचालय बनाए गए उनके सामने भी मिट्टी के ढेर लगे हैं। गांव पाई में तालाब की खुदाई की जा रही है। तालाब की मिट्टी स्कूल के अंदर डाली गई थी। पहले भी बारिश होते ही स्कूल में पानी भर जाता था, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब मिट्टी डाली गई तो उसे समतल नहीं किया गया। अब बारिश भी हो रही है, जिससे मिट्टी पर बच्चों के फिसलने का डर रहता बना है और बच्चों को चोटें भी आ सकती हैं। अध्यापकों ने बताया कि बहुत परेशानी हो रही है और स्कूल के अंदर से गंदा पानी का नीला निकला हुआ, जो बच्चों के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है और गंदे पानी से बच्चों में बीमारी फैलने का भी डर बना रहता है। इसको लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हर बार अधिकारियों को बोलने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। K9 मीडिया के लिए संजय ढुल की ब्यूरो रिपोर्ट। सर, पिछले कई सालों से यहाँ पर एक स्कूल के कैंपस के साइड से एक नाला गया हुआ है। बरसात के मौसम में बरसाती पानी जब यहाँ से निकलता था और फ्लो होकर वो हमारे ग्राउंड में आ जाता था, इसलिए बड़ी भारी समस्या होती थी। यहाँ पर बदबू भी होती थी, मच्छर भी हो जाते थे और आने जाने में भी दिक्कत होती थी। तो हमने यहाँ पर पंचायत को और जो ग्राम सचिव हैं उनको लिखा था, वैसे वर्बली कहा था कि भाई हमारे यहाँ पर समस्या है। उन्होंने कहा हम इसका समाधान करेंगे, तो उन्होंने मिट्टी डलवा दी है। मिट्टी अभी मेरे ख्याल खुदाई चली हुई है, डलवा रहे हैं जहाँ भी ज़रूरत है। तो फिर जब स्कूल खुले हमने आके देखा, मिट्टी तो डल गई है लेकिन ये समतल नहीं हो पाई है। फिर हमने कल उनसे दोबारा प्रिंसिपल साहब से संपर्क किया, यूँ यूँ करके समस्या है, इसको समतल भी करवाया जाए। उन्होंने फिर तुरंत फ़ोन किया, पता नहीं किसके पास किए, तो मैंने उन्होंने आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर हम इसको समतल करवा लेंगे। ये गांव की सहमति से डाली गई थी या फिर टीचरों की सहमति से ये मिट्टी डाली गई? इसका मेरे को पता नहीं, क्योंकि छुट्टियों के दौरान पड़ी है। 31 मई को स्कूल बंद हो गए थे, उसके बाद ही डली है, हमें उसके बाद ये नहीं पता। सरपंच ने डलवाई है, सेक्रेटरी ने डलवाई है, प्रिंसिपल ने, ड्राइव विभाग, हमें कुछ पता नहीं। ठीक है, क्या नाम है सर? नीरज कुमार। नीरज कुमार, जो प्रिंसिपल मैम आज छुट्टी पे है उसके बाद आप ही संभालते हो कार्यभार? हाँ जी।